बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आप तमाम देखने वाले व्यूअर्स के लिए रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आम खबर। रिजल्ट चेक करें, 95% 99% तक स्टूडेंट्स के पास होने की अपडेट। आप तमाम स्टूडेंट्स 2023 रिजल्ट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, खसूसन 12th क्लास यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर के रिजल्ट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। उसके बाद आपने अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा खान टीचिंग को, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को 2024 के हवाले से जो अपडेट्स हैं पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आपको मिलती रहें यहाँ से, और साथ ही साथ जो है जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होती रहें। 2024 के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं जो आपके पैटर्न के हवाले से हैं, वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से अपडेट दी जाएगी, तो पूरा देखें इंशाल्लाह, आपको तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर भी करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को आपकी वजह से फ़ायदा भी हो सके। तो रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट के हवाले से आपको मैं जो है बिल्कुल क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पूछ रहे हैं कि सर हमें भी बताएं कि हमारा रिजल्ट आया है, हम कैसे चेक करें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जो बोर्ड्स जो है जिनने रिजल्ट हवाले से अनाउंसमेंट की है, वो सबसे पहले आपको पता था कि 13 सितंबर को ही रिजल्ट हवाले से अपडेट आनी थी, और रिजल्ट्स के हवाले से बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उनने यूनैनिमस डिसीजन किया था उनके चेयरमैन्स ने मीटिंग के अंदर कि हम रिजल्ट इकट्ठा अनाउंस करेंगे। जैसा कि पूरे पंजाब के बोर्ड्स हैं और साथ आज़ाद कश्मीर है, आप तमाम स्टूडेंट्स फेडरल के पहले ही इंजॉय कर चुके हैं, तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स को लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोधा, सहीवाल बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी और साथ साथ आज़ाद कश्मीर, इन तमाम स्टूडेंट्स जो है चाहे वो प्राइवेट हैं पब्लिक हैं, सारे के सारे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक कैसे करना है, उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चलूँ कि स्टूडेंट्स सारे के सारे जिन्होंने अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर किए थे, चाहे वो किसी भी प्री मेडिकल के थे, इंजीनियरिंग के थे, या सिंपल आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना जो है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से सीखा था और अपने सेकेंड ईयर के अंदर उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन की, वो ऑलरेडी पूरा का पूरा जो है उन्होंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। उन वो तकरीबन जिन्होंने फर्स्ट ईयर को समझ के सेकेंड ईयर के ऊपर प्रिपरेशन की, अगर उनकी फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली थी, सेकेंड ईयर अंदर उन्होंने अपनी मेहनत की और उस सप्ली को भी कवर किया, 99% स्टूडेंट्स वो क्लियर कर चुके हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्लियर बताता चलूं कि आपका जो रिजल्ट है वो जो है तमाम की तमाम जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर रिजल्ट अपलोडिंग जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है, सिर्फ सिर्फ जो है किसी जगह पे बटन के प्रेस का इंतजार है, किसी जगह पे बटन प्रेस हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो 9th क्लास 10th क्लास का रिजल्ट आए, उसके अंदर 9th क्लास के रिजल्ट के अंदर एक दिन पहले ही रिजल्ट अनाउंसमेंट की शाम को खबरें आना शुरू हो गई थी और मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। तो इस तरह की टेक्निकल जो है कोई भी वजूहत नहीं है, बल्कि रिजल्ट आपका पूरे अपने एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और कुछ अपलोड इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने वीडियोस को लेट देखा, ठीक है, तो उनका रिजल्ट जो है वो देख रहे हैं, अपलोड हो गया है, और जिन्होंने बिल्कुल इन टाइम देखा वो अपना देख सकते हैं कि 10:10 या 10 बजे आप अपना चेक कर लेना, आपके हर अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर टाइमिंग चल रही होगी एग्जैक्ट जो है वो अपने टाइम के ऊपर, आपने जब जीरो हो जाएगा तो उसके ऊपर आपने सिर्फ और वेबसाइट को फ्रेश करना है और उसके बाद अपना रोल नंबर पिन अप करना है। जो जो बोर्ड जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, सिंपल आपने google.com.pk के लिखना है और उसके बाद आपके पास सर्च बार ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने 22 लिखना है, BISE, साथ अपने बोर्ड का नाम, चाहे मुल्तान है तो मुल्तान लिखें, 22 मुल्तान, और उसके बाद आगे रिजल्ट 12th रिजल्ट 2023, ये लिख के आप बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करें, उसके बाद आपके पास सामने जो है रिजल्ट का चेकबॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप मैसेज के ज़रिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एंड कार्ड के ऊपर या आई स्क्रीन के ऊपर जो है वो कोई ना कोई वीडियो जो है वो लाजमी मैंने जो है वो दी हुई है, वहाँ पे आप लाजमी चेक करें कि आपको सारे के सारे जो है ना वहाँ पे नंबर्स दिए जाएंगे, जिनके ज़रिए आप बआसानी अपना रिजल्ट मैसेज के ज़रिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी जगह के ऊपर डाटा के इशू आ जाता है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, तो वो अपना रिजल्ट मैसेज के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ आई थिंक 2 से 5 रुपये टैक्स वगैरह जो है वो आपका कट होगा पर मैसेज पर रिजल्ट चेक, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अगर किसी का रिजल्ट कोई भी किसी भी वजह से मिसहैप आ जाती है, सप्ली आ जाती है, तो उससे उसके गिरने का मकाम नहीं है बल्कि संभलने का मकाम है कि आप संभल जाओ।
बाकी इंशाल्लाह जैसा रिजल्ट आता है और उसके पूरी की पूरी जो है वो डाटा क्लियर होता है कि कितने परसेंट रिजल्ट पासिंग रहा, कितना फेल रहा, वो सारी सारी क्लियर करके इंशाल्लाह आपके फायदे के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट साथ सप्ली के हवाले से अपडेट शेयर की जाएगी। खान टीचिंग को सब्सक्राइब करके खान टीचिंग के साथ ज्वाइन रखें, इंशाल्लाह खान टीचिंग आपको बहुत अच्छी अपडेट्स देता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें।